नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल किसान बदलेगा में स्वागत करते हैं। किसान साथियों, आज की चर्चा का विषय होगा मूंग की खेती, जहां पर हम चर्चा करेंगे मूंग की टॉप 5 वैरायटीज के बारे में, जो कि कम समय में बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हो, साथ ही साथ वो रोग बाधाओं के प्रति भी काफी सहनशील हों, ऐसी किस्मों का चयन किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल किसान बदलेगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं सबसे पहले नई किस्मों की और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी। हम चर्चा करेंगे समयावधि, बुआई का समय, तरीका, बीज शोधन, बीज की मात्रा और किस्म के नाम के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं, बात करें मूंग की समयावधि की, तो मूंग की खेती लगभग 50 से 80 दिनों के मध्य की होती है। बात करें बुआई के समय की, तो आप खरीफ माह में इसकी बुआई मार्च से अप्रैल माह के मध्य कर सकते हैं, वहीं ग्रीष्मकाल में आप इसकी बुआई जून से जुलाई के मध्य कर सकते हैं। बात करें आप किस तरीके से इसकी बुआई करें, तो आप इसके दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं, मशीन के द्वारा और छिड़काव पद्धति के द्वारा भी कर सकते हैं। बात करें बीज शोधन के लिए, तो बीज शोधन के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कार्बेंडाजिम M45 जैसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की, तो आप लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं किस्मों की, जहां पर पहली किस्म आती है IPM 410-3, जिसे शिखा नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसकी समय की, लगभग 55 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इसकी उपज की बात करें, तो लगभग 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं अगर इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, तो इस किस्म की फलियां काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं। वहीं फलियों की लंबाई भी काफ़ी अच्छी होती है, प्रति फली लगभग 9 से 10 दाने तक होते हैं। वहीं एक इसकी विशेषता ये भी है कि यह, वहीं इसमें एक कमी है जो कि पीला मोजैक रोग थोड़ा सा होने की समस्या हो सकती है। वहीं दूसरी किस्म आती है रत्ना, जो कि अभिमन्यु कंपनी की है। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें, तो यह किस्म 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इसके उत्पादन की बात करें, तो लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। बात करें इसकी कुछ विशेषताओं की, तो इसके पौधे लंबे तथा रोग प्रतिरोधी किस्म होती है, साथ ही साथ इसमें फलियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं तीसरी किस्म आती है पूसा विशाल, अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें, तो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इसके उत्पादन की बात करें, तो 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। बात करें इसकी कुछ विशेषताओं की, तो फलियाँ काफ़ी लंबी, पौधे का आकार काफ़ी गुच्छाकार होता है, साथ ही साथ फलियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है। यह किस्म भी पीला मोजैक रोग के प्रति कम सहनशील है। वहीं पर अगली किस्म आती है IPM 205-7, जिसे विराट नाम से भी जाना जाता है। अगर इस किस्म की समयावधि की बात करें, तो लगभग 52 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इसके उत्पादन की बात करें, तो 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ तक देने में सक्षम है। बात करें इसकी कुछ विशेषताओं की, तो इसके पौधे काफ़ी लंबे, लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर के मध्य, वहीं फलियों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ फलियों में दाने भी काफ़ी परिपूर्ण होते हैं। यह किस्म भी पीला मोजैक रोग के प्रति सहनशील है। अगली पांचवी किस्म आती है MH 1142, जिसकी समयावधि की बात करें, तो लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं अगर इसके उपज की बात करें, तो लगभग 12 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, तो पीला मोजैक रोग के प्रति काफ़ी सहनशील है, साथ ही साथ यह पत्ता मरोड़ रोग के प्रति भी काफ़ी सहनशील है। इस किस्म के पौधे मध्यम आकार के तथा फलियों की संख्या काफ़ी गुच्छेकार होती है, वहीं दानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। किसान साथियों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी वाकई आपको अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हैं, तो आप खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम नई खबरों के लिए आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।